बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे भोजपुरी, मैथिली और ऐसी ही कई भाषाओं की मिट्टी कहा जाता है। कुछ लोग छठ पूजा जैसे भव्य त्योहार के लिए लोग बिहार को मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग कजरी गीत और मधुबनी कला के लिए इसे याद करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी नानी खुद बिहार से हैं और उन्होंने मुझे काफी अच्छी बिहारी और भोजपुरी सिखा दी है। खैर, इस धरती पर कई ऐसी कहानियां और लोक कथाओं का जिक्र है, कहा जाता है कि जो तर्क और वितर्क के परे हैं। ये कथाएं अनजान शक्तियों से लैस है जो ये बताती हैं कि इंसानों की दुनिया के पार भी कुछ सच्चाई होती है। और ऐसी ही कुछ कहानियां आज हम सुनेंगे जो बिहार के अलग अलग कस्बों से आई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। बिहार, जहां मैं बचपन में रहा करता था, वो साल 1985 का था। मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहा करता था। दादा, दादी, माँ, पापा, चाचा, चाची, ताऊ जी, ताई जी सब थे मेरे परिवार में। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, हम आधुनिकता की ओर बढ़ते चले गए और शहर जाने की इच्छा ने हम सबको अलग कर दिया। दादा, दादी और ताऊ ताई जी तो बिहार के नेहरा गांव में ही रहना चाहते थे, तो वो लोग वहीं रुक गए। बाकी चाचा और मेरे पापा ने शहर में रहना पसंद किया, लेकिन शहर में अपना अपना घर खरीद कर यहीं हमेशा के लिए बस गए। 15 साल बीत गए दादाजी से मिले। दादी तो उसी साल गुजर गई जब हमने अलग होने का फैसला किया था। 15 साल बाद मैं वापस नेहरा जा रहा था अपने दादाजी और ताऊ ताई से मिलने के लिए। ताऊ जी और ताई जी की कोई औलाद नहीं थी, तो वो मुझे ही अपना बेटा मानते थे। वैसे मैं तो आपको अपना नाम बताना ही भूल गया, मेरा नाम है समर। मैं पेशे से एक बुक राइटर हूँ। मुझे डरावनी कहानियाँ लिखना बेहद पसंद है। मैंने कई सारी कहानियाँ लिखी थी, पर इतनी सारी कहानियाँ लिखने के बाद मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या लिखूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था ये सोच कर, और इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार भी पड़ गया था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे शांत वातावरण में रहने की ज़रूरत है। इस पर पापा ने कहा कि गांव से अच्छा शांत और साफ वातावरण कहीं नहीं मिल सकता, तो मुझे नेहरा चले जाना चाहिए। और मैं भी दादाजी से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, तो नेहरा जाने के लिए मैं निकल पड़ा। नेहरा जाते जाते रात हो गई थी। उस वक्त गांव में बिल्कुल सन्नाटा था, और जो मेरा घर था वो गांव की आखिरी गली में था। वहां तक मुझे पैदल जाना था, तो मैं बस अपना सारा सामान लेकर चलने लगा। अब रात को गांव का माहौल कैसा होता है ये तो आप जानते ही हैं। उस समय ठंड का दिन था, बड़ी कड़कती ठंड पड़ रही थी। पापा ने दादाजी को खबर कर दी थी कि मैं आ रहा हूँ। रात के 11 बज रहे थे और मैं जानता था कि दादाजी लोग सभी मेरी राह देख रहे होंगे। जब मैं इस गांव से गया था तब मैं 15 साल का था। मुझे अच्छे से याद थी ये जगह। उस समय नेहरा बिल्कुल वैसा था जैसा मैं छोड़कर गया था। हाँ, कुछ नए मकान मुझे नज़र आ रहे थे जो पहले वहाँ नहीं थे, शायद गांव वालों ने और घर बना लिए थे। मैं चला जा रहा था कि अचानक से एक गली से कुछ कुत्ते भागते हुए मेरी तरफ आए, जिन्हें देखकर मैं डर गया। मुझे लगा कि वो मुझे काट लेंगे, इसलिए मैंने तुरंत उन्हें मारने के लिए एक पत्थर उठा लिया। वो कुत्ते भौंकते हुए आए और मैंने उन्हें दूर भगाने के लिए एक पत्थर मारा। मुझे लगा वो डर के मारे भाग जाएंगे, लेकिन उल्टा उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। 2-3 कुत्ते मुझ पर झपट पड़े और मैं चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर कुछ घर की बत्ती जल गई और लोग बाहर आ गए। जब उन लोगों ने देखा कि कुत्तों ने मुझे पकड़ लिया है, तो वो लोग मुझे बचाने के लिए घरों से डंडा लेकर बाहर आए और उन्हें भगा दिया। मुझे काफ़ी खरोचे आई थी, तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बेटा ठीक बाड़ा तू? मेरे गांव के लोग बिहारी और भोजपुरी ज़्यादा बोलते थे, तो मैंने कहा, हाँ काका ठीक हूँ मैं। तो काका ने कहा, राउर परिचय बेटा। मुझे भोजपुरी थोड़ी कम समझ आती थी, क्योंकि घर पर सभी हिंदी में बात किया करते थे। तो मैंने कहा, जी क्या कहा आपने काका?
तो काका ने कहा, अरे कौन हो भाई, केकरा घरे आयल बाड़ा? तो मैंने कहा, जी मैं समर, गिरधर लाल जी का पोता। मेरा नाम सुनकर वो लोग चौंक गए। तो काका ने कहा, अरे समर बिटुआ, अरे हमरा के भूल गई लका, अरे हम गिरधरवा के दोस्त हैं, बचपन में तू हमरा घरे खेले आवत रहला, हम तोहरा सज्जन दादा। मुझे याद आया कि मैंने बचपन में उनके साथ बहुत खेला था, उनसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने कहा, अरे सज्जन दादा पाँव छो, अरे माफ़ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं, इतने सालों के बाद जो देखा मैंने आपको। तो सज्जन दादा ने कहा, अरे कौनो दिक्कत ना बचवा, हम तोहरा के गिरधर के घरे छोड़ देता नहीं, तोहरा के देखले के बाद वो खुशी से पागल हो जाई। फिर मैं और सज्जन दादा घर की तरफ चल दिए। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि दादाजी घर के बाहर बने आंगन में खाट पर आराम से बैठे हुए थे। मैं और सज्जन दादा उनके पास गए। सज्जन दादा ने कहा, अरे गिरधरवा, देख तोहार पोता आ गइल बा, हम तो देख के चौंक गईनी, अरे कितना बड़ा हो गइल बा हो। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। तो दादाजी ने कहा, कैसन बाड़ा बेटवा? तो मैंने कहा, मैं ठीक हूँ दादाजी, आप कैसे हैं? दादाजी ने कहा, सब ठीक है बेटा, आओ चलो अंदर चलते हैं। सज्जन दादा थोड़ी देर वहाँ रुके, फिर वो भी अपने घर चल दिए। फिर मैं दादाजी के साथ घर गया और ताऊ ताई से सबसे मिला। सब मुझे देखकर बड़े खुश हुए, मुझे भी खुशी हुई। गांव में इतने साल बाद जाकर सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अगले दो दिन तक गांव में घूमा, उनके घर गया जहां मैं बचपन में जाया करता था। दादाजी के कुछ दोस्तों से भी मिला। फिर एक रात को मैं दादाजी के साथ बाहर खाट में बैठा हुआ था। दादाजी खाट में लेटे हुए हुक्का पी रहे थे और उन्होंने एक मोटी रजाई ओढ़ रखी थी। ठंड ही इतनी ज़्यादा थी। हमारे घर के आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि और आसपास कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। सामने एक चबूतरा था और ठंड की वजह से थोड़ा कोहरा भी दिख रहा था। दादाजी ने मुझसे पूछा, समर बेटवा, तुझे किस बात की चिंता है जो तू इतना बीमार हो गया? तो मैंने कहा, अरे वो दादाजी, क्या है ना कि मैं किताब लिखता हूँ डरावनी कहानियों की, लेकिन अब मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि क्या लिखूं, इस वजह से बस थोड़ा सा परेशान हो गया था। तो दादाजी ने कहा, अरे बस इतनी सी बात, अरे तो पहले क्यों नहीं बताया तूने, मैं इसमें तेरी बहुत मदद कर सकता हूँ। तो मैंने कहा, वो कैसे दादाजी? दादाजी के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ सज्जन दादा और उनके कुछ और साथी घर आ गए। सज्जन दादा ने कहा, अरे का बात करत बाड़ा दादा पोता, हमरा के ना बताइबा? तो दादाजी ने कहा, हे मर्दे, उस अमर बेटवा के भूतिया कहानी सुने के बना, तो वही बतावत रहनी। तो इस पर सज्जन दादा ने कहा, अरे गिरधर, यहाँ के साचो कहानी हम सुनावता नहीं। तो मैंने कहा, जी आप लोग हिंदी में बात करो ना, मुझे बिहारी कम समझ आती है। मेरी बात सुनकर वो सभी हंसने लगे। तो दादाजी ने कहा, अरे बिटवा, सज्जन कह रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर घटी सच्ची घटनाओं के बारे में बताऊं क्या? ये वो घटनाएं हैं जो काफ़ी साल पहले यहाँ घटी थी, तब हम भी बहुत छोटे हुआ करते थे। उनके बारे में तुम्हें कहीं से पता नहीं चलेगा। आजकल तुम लोग अपने फ़ोन से सब कुछ पता कर लेते हो, लेकिन जो बात अभी मैं तुम्हें बताऊँगा वो तुम्हें कहीं से पता नहीं चलेगी, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तो मैंने कहा, कैसी घटनाएं दादाजी, क्या वो बहुत डरावनी थी? तो दादाजी ने कहा, हाँ बेटवा, ऐसी ऐसी डरावनी घटनाएं घटी हैं इस गांव में कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो मैंने कहा, तो सुनाइए ना दादाजी, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं उसके बारे में ज़रूर लिखूँगा। तो सज्जन दादा ने कहा, अरे गिरधरवा, वो प्रेत शिला के बारे में बतावा ना, याद बा तोहरा के कितनी भयानक आवाज आवत रही वहां से? तो दादाजी ने कहा, अरे हाँ हाँ बिल्कुल याद है। अरे तुम जानते हो समर बेटा कि पूर्वजों का पिंड दान करना कितना जरूरी होता है। पिंड दान के बिना किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। जब मैं 16 साल का था तब मुझे ये बात पता चली थी। पितृपक्ष के दिन
और अमावस के दिन मेरे पड़ोस के लोग प्रेतशिला पर्वत जाने वाले थे। प्रेतशिला पर्वत यहाँ से करीब 270 किलोमीटर दूर है, जो गया जी की भूमि पर है। इसके नाम की तरह ही यहाँ पर प्रेत आत्माओं का वास माना जाता है। कहते हैं कि प्रेतशिला पर्वत पर ही पूर्वजों का पिंडदान होता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार इस पर्वत पर ही पूर्वजों की आत्माएं पिंड लेने के लिए आती हैं और इससे उन्हें शांति मिलती है। पड़ोस के काका ने पिताजी से कहा कि वो भी उनके साथ पिंडदान के लिए चलें। पिताजी ने हाँ कह दिया। पिताजी और पड़ोस का परिवार प्रेतशिला पर्वत जाने के लिए निकल पड़ा। रात का सफर था और उस समय वो बड़ा ही घना इलाका था। घने जंगल के पास कभी कभी जंगली जानवर भी रास्ते में आने जाने वाले लोगों पर हमला कर देते थे। पिताजी और पड़ोस के लोग प्रेतशिला जा रहे थे। प्रेतशिला की सीमा तक पहुंचने से पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वो लोग प्रेतशिला पर्वत की सीमा तक पहुंचे तो अचानक से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, मानो आसपास कोई अदृश्य ताकत हो। क्योंकि पिताजी ने बताया था कि अचानक उस सीमा पर पहुंचने के बाद उनकी ऊर्जा कुछ कम हो गई थी। प्रेतशिला पर्वत चढ़ने के लिए 676 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। उस समय ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। ऊपर पहाड़ पर जाने वाली सीढ़ियां छोटी छोटी थी और ऊपर जाने का पूरा रास्ता ऐसा लगता था जैसे कि वो जंगल के बीचों बीच से गया हो। रात का समय था, सुबह होने में अभी 3 से 4 घंटे बाकी थे। अगली सुबह ब्रह्मकुंड में स्नान करके पिंडदान करना था, इसलिए वो लोग उसी समय सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे जैसे वो लोग सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनके मन में डर बैठता जा रहा था। बहुत ही डरावनी जगह थी। ऊपर से ठंड का समय, रात लंबी और दिन छोटे होने की वजह से अंधेरा जल्दी हो गया, जिसकी वजह से वो लोग समय पर पर्वत के ऊपर चढ़ नहीं पाए। उन्होंने करीब 50 से 60 सीढ़ियां ही पार की थी कि अचानक से उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर वो सभी रुक गए। आसपास देखने पर उन्हें कुछ दिखाई तो नहीं दिया, तो उन्हें लगा कि ये उनका वहम होगा। उन्होंने आगे बढ़ना सही समझा, लेकिन अगले ही पल फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। पिताजी और बाकी सबको बहुत डर लगा। उन्होंने आसपास फिर से देखा तो उन्हें बड़ी बड़ी चट्टानों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। चट्टानों में काफ़ी बड़े बड़े छेद थे, और ऐसा नहीं कि एक चट्टान में, बल्कि वहाँ जितने भी चट्टानें थी उन सभी में छेद बने हुए थे, जैसे कि उसे किसी ने अपना घर बनाया हो। सब लोग एक साथ ठहर कर आसपास का ब्यौरा ले ही रहे थे कि अचानक से पिताजी को ऐसा लगा जैसे कि कोई उनके पीछे खड़ा हो। पिताजी के हाथ में पिंडदान की कुछ चीज़ें थी, उनके हाथ कांपने लगे थे उस वक्त। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक से उनकी सांसें ही अटक गई। अचानक से उनके सामने एक लंबी पेड़ की डाली आ गई, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और डर के मारे हाथ में पकड़ी सारी चीज़ें उनसे छूटकर सीढ़ियों के नीचे गिरने लगी। सीढ़ियों पर गिरते समय चीज़ों के ठन ठन की आवाज़ आ रही थी। जब उन्हें पता चला कि वो सिर्फ एक डाली है, तो वो खुद ही संभाल कर नीचे की ओर भागने लगे ताकि गिरती हुई चीज़ों को वो पकड़ सके। लेकिन वो भागते भागते वहीं पर पहुंच गए जहां से सीढ़ियां शुरू होती थी। बाकी लोग उसी जगह पर पिताजी के आने का इंतज़ार करने लगे। पिताजी ने नीचे पड़ी चीज़ों को उठाया और वापस सीढ़ी चढ़ने लगे। वो नीचे देखकर सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन फिर जब उनकी नज़र ऊपर की तरफ गई तो उनके पैर वहीं अटक गए। उनके होश उड़ गए, पैर कांपने लगे और उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि करीब 10 से 15 सीढ़ी ऊपर सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से पीले रंग की रोशनी निकल रही थी। उसके पैर सीढ़ियों पर नहीं, बल्कि सीढ़ियों से कुछ ऊपर हवा में ही थे। वो बिल्कुल शांत थी और बस पिताजी की ओर देखे जा रही थी। अब पिताजी की हालत ऐसी थी, ना तो वो पीछे जा सकते थे और ना ही ऊपर अपने साथियों के पास। वो बस वही खड़े रहे। उनका गला डर के मारे सूख गया था। फिर अचानक से वो औरत ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। पिताजी ने सोचा कि अब क्या किया जाए,
और उन्हें यही लगा कि पीछे जाने के बजाय ऊपर अपने साथियों के पास जाना ही सही होगा। वो बहुत ही धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते गए। उनकी नजर ऊपर चढ़ने वाली उस भयानक औरत पर टिकी हुई थी। अब ऊपर चढ़ते समय कुछ सीढ़ियों के बाद एक मोड़ था, वहां पर पिताजी थोड़े और चौकन्ने होकर जाने लगे ताकि कहीं वो औरत अचानक सामने ना आ जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मोड़ को पार किया, उन्होंने देखा कि वो सफेद कपड़े वाली औरत वहां से गायब हो चुकी है। पिताजी की हालत अब और खराब हो गई। वो समझ गए थे कि वो पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है। वो तुरंत भागते हुए अपने साथियों के पास पहुंचे, जो काफी समय से उनका इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने साथियों को सारी बातें बताई और वो सब बातें सुनकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने जल्दी से ऊपर चढ़ने का फैसला किया। वो लोग जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगे। उनके सामने वो औरत फिर से आई तो नहीं, लेकिन एक और अजीबोगरीब और डरावनी चीज हुई। वो ये कि चट्टानों में जो छेद थे उनमें बड़ी डरावनी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई औरत चिल्ला रही हो, कोई आदमी चिल्ला रहा हो, या किसी तरह का कोई जानवर गुर्रा रहा हो, या न जाने कितनी ही अजीब आवाजें थी। करीब 4 घंटे बाद वो सब लोग उन डरावनी आवाजों को पार करके प्रेतशिला पहुंचे। सुबह हो चुकी थी। पहले उन लोगों ने वहां के कुंड में स्नान किया और फिर वहां के पंडितों के माध्यम से पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद पिताजी ने एक पंडित जी से उस औरत के बारे में पूछा तो पंडित जी ने कहा, ये प्रेतशिला है, यानी प्रेत योनियों का घर। यहाँ बहुत सारी अतृप्त आत्माओं का वास है। जो छेद आप लोगों ने देखे उनमें भी कई आत्माएं रहती हैं। ये वो आत्माएं हैं जिनका अभी पिंडदान नहीं हुआ है, इस वजह से इन्हें मोक्ष नहीं मिल पा रहा और ये यहाँ की वादियों में भटक रहे हैं। इस जगह पर जब पिंडदान किया जाता है तो पूर्वज उस पिंड को लेकर अपनी दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। सूर्यास्त के बाद यहाँ पर बहुत सारी भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ आने जाने वाले लोगों को दिखाई भी दे जाती हैं। मैं दादाजी की बात बड़े गौर से सुन रहा था। मुझे ये घटना काफी डरावनी लगी। ऊपर से ये तो दादाजी के पिताजी के साथ ही घटी थी, तो मुझे इस पर पूरा विश्वास था। गया जी का नाम मैंने भी सुना है, लेकिन उससे जुड़ी ऐसी बातें तो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। तो मैंने कहा, और भी कुछ हुआ था क्या दादाजी? तो दादाजी के एक दोस्त थे सदाराम, उन्होंने कहा, अरे गिरधर बेटुआ की बात तो बता, वो पानी वाला भूतवा के बारे में। तो दादाजी के दूसरे दोस्त ने कहा, तो बेटुआ इस घटना के बारे में हमरा के तब पता चल रहा जब हम छोट रहनी। ये घटना कुछ 1990 में भइल रहे। सज्जन दादा ने कुछ याद किया और कहा, अच्छा तू पंडुबुआ के बारे में बतावल चाहता रहा? तो सदाराम दादा ने कहा, हाँ 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 वही वही। सज्जन दादा ने कहा, अरे तो हम बतावत बानी, तो हर भाषा में ना बूझी हो। तो सज्जन दादा ने आगे कहा, तो ये बात साल 1980 की है। दरभंगा में एक छोटा सा गांव था जहाँ पर एक छोटा सा तालाब हुआ करता था। उस तालाब में कई लोगों की डूब के मौत हुई थी, इसलिए शाम के समय में उस तालाब के पास जाना मना था। असल में शाम के समय में उस तालाब के पास कोई भी नहीं हुआ करता था, बिल्कुल सुनसान रहती थी वो जगह। और जब से लोगों के डूब के मरने की खबर आने लगी थी तब से लोग वहाँ जाने से कतराते थे। असल में उस वक्त मैं और ये सदाराम, हम दोनों ही उसी गांव में रहते थे। हमारा ननिहाल जो था वो, हमारी अम्मा ने हमें उस तालाब के पास जाने से साफ मना कर रखा था, लेकिन उस वक्त हमें इसका कारण पता नहीं था। वहां पर एक और मेरा जिगरी दोस्त था भीमा, बहुत ही ज़्यादा बदमाश था। वो किसी की बात नहीं मानता था, हमेशा वो करता था जो उसके मन में आता था, और यही कारण था जो उसे ले डूबा। उस साल गर्मी के दिनों थे तो मैं और सदाराम वहाँ गए हुए थे। वो तालाब मेरे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर था और हमारा वहाँ जाना मना था। मुझे याद है उस साल उस तालाब में बहुत लोगों की डूबकर मौत हुई थी और उसका कारण कोई हादसा नहीं था बल्कि पंडुब्बा था। बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है पंडुब्बा के बारे में।
और कहा जाता है कि ये वो लोग होते हैं जिनका जीवन बड़ा ही दुखदायी था और इनकी मौत डूबने के कारण हुई थी। पंडुब्बा पानी में रहने वाले भूत होते हैं जो कभी भी पानी से बाहर नहीं आते, लेकिन जो इनके निवास स्थान के पास ज़्यादा समय तक रहता है और जिस पर इनकी नज़र पड़ जाती है उन्हें ये खींचकर पानी में ले जाते थे और मार देते थे। उस समय गांव में एक हकीम रहा करते थे जिनके बच्चों ने उन्हें काफ़ी बेरहमी से मारा था और फिर बेहोशी की हालत में उन्हें उस तालाब में जा फेंका। उसके बाद उनकी मौत हो गई पानी में डूबकर। बस तब से तालाब में डूबकर मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। मुझे वो दिन अच्छे से याद है, मैं, सदाराम और भीमा गाय चराने के लिए जंगल में गए थे। वो जंगल तालाब के पास ही था। जंगल से जानवरों को चराते हुए हम घर लौट ही रहे थे। उस समय शाम हो चुकी थी। बाकी लोग जो जानवरों को चराने के लिए आए हुए थे वो सब घर जा चुके थे। जगह बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। घर आते समय वो तालाब अच्छे से देखा जा सकता था। हम तीनों वापस लौट ही रहे थे कि वापस आते समय भीमा उस तालाब के पास रुक गया। तो मैंने कहा, क्या हुआ भीमा, अचानक क्यों रुक गया तू? तो वो बिना कुछ बोले ही उस तालाब की तरफ जाने लगा। वो तालाब सच में बड़ा ही रहस्यमय दिखाई दे रहा था। वहाँ के पानी का रंग भी बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि पानी ठहरा हुआ था और खराब हो चुका था। उसका पानी काला नजर आता था और काफ़ी बदबू भी आने लगी थी उस पानी से। तो जानवर भी पानी पीने के लिए वहाँ पर नहीं रुकते थे। न जाने भीमा को क्या मस्ती सूझी कि वो पानी में उतर गया और एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। मैंने उसे कहा कि यहाँ बैठना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो माना नहीं। वो बोला कि मैं चल चल कर थक गया हूँ, आओ थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। मैं भी बहुत ही ज़्यादा थक गया था तो सोचा कि वहाँ जाकर बैठ जाऊँ। फिर मैं और सदाराम हम दोनों साथ में बैठ गए, लेकिन पानी से हम दोनों काफ़ी दूर थे। काफ़ी समय तक हम तीनों वहाँ बैठे रहे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि शायद यहाँ पर जो लोग मरे हैं वो किसी हादसे का शिकार हुए होंगे, पर ऐसा था नहीं। अंधेरा छाने लगा था तो मैंने कहा कि चल भीमा घर चलते हैं यार, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। लेकिन भीमा ने मेरी बात नहीं सुनी और तालाब में पत्थर फेंकने लगा। उसे ऐसा करने में बड़ा मजा आ रहा था। मैंने कई बार उसे आवाज़ दी लेकिन वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने सदाराम से कहा कि चल यहाँ से हम चलते हैं यार, भीमा का जब मन होगा वो आ जाएगा। फिर हम वहाँ से जाने के लिए निकले ही थे कि अचानक से मेरी नज़र भीमा के ठीक बाजू में बैठे हुए एक बूढ़े आदमी पर गई जो न जाने कहाँ से वहाँ पर आ गया था। वो एक टक होकर भीमा को निहार रहा था, लेकिन भीमा को बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके बगल में ही वो बैठा हुआ है। अचानक से उस बूढ़े आदमी ने भीमा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कहा, मुझे सुट्टा चाहिए। भीमा ने झट से उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस उसे घूरे जा रहा था और बार बार यही कह रहा था कि उसे सुट्टा चाहिए। मैं और सदाराम भी डर गए थे और हमारे मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकली। भीमा डर के मारे हमारी तरफ देखने लगा। उसने कहा, बचाओ, मुझे बचाओ। भीमा खड़ा होकर हमारी तरफ भागते हुए आ ही रहा था कि कुछ कदम चलने के बाद ही उस बूढ़े आदमी ने उसका पैर खींच लिया। भीमा मुंह के बल गिर पड़ा। फिर उस बूढ़े आदमी ने उसका पैर पकड़कर पानी की तरफ खींचा। भीमा मदद के लिए चिल्लाने लगा। उस समय हम बच्चे थे, हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें। बस एक बात दिमाग में आई कि हम अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाएं। तो हमने वैसा ही किया। हम भाग निकले वहाँ से गांव जाने के लिए, ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके। भीमा की चीख सुनाई देती रही हमें, लेकिन डर के मारे पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। हम गांव गए और गांव वालों को सब कुछ बताया। भीमा के घर वाले भागते हुए तालाब के पास गए और साथ में हम सब भी थे। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि पानी फिर से बिल्कुल शांत हो चुका है, मानो कुछ देर पहले वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। हमने आसपास अच्छे से छान मारा, लेकिन हमें भीमा कहीं नहीं मिला, यहाँ तक कि उसका शरीर भी नहीं। उसके घर वालों का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। सब यही कह रहे थे कि पंडुब्बा भीमा को ले गया।
शायद जिस हकीम की मौत हुई थी उसी की आत्मा को हमने देखा था। भीमा की तरह ही कई लोग उस तालाब में डूबकर मरे। एक और किस्सा है इस पंडुप्पा का। असल में हमारे उसी गांव में जयंत नाम का एक लड़का रहा करता था जो उम्र में हमसे 5 साल बड़ा था। जिस साल भीमा की मौत हुई उसी साल उस हादसे के कुछ दिन बाद जयंत ने भी पंडुब्बे को देखा था उसी तालाब के पत्थर पर बैठे हुए। उस पंडुब्बे ने जयंत से भी सुट्टा मांगा। जयंत ने हमें बताया था कि उसकी हालत भी उस समय बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। जब उसने उस पंडुब्बे को देखा तो उसे लगा कि वो भी मर जाएगा, लेकिन उसने होशियारी से काम लिया। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कि उसने पंडुब्बे को ना तो देखा है और ना ही उसकी आवाज़ सुनी। जब उसने ऐसा किया और बार बार पंडुब्बे के आवाज़ देने के बाद भी उसे नज़रअंदाज किया तो पंडुब्बे को वहाँ से खाली हाथ चुपचाप जाना पड़ा। सब उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गए थे। तब से ये बात कही जाने लगी कि जब भी पंडुब्बे से सामना हो तो ऐसे बर्ताव करना चाहिए कि कोई वहाँ है ही नहीं। ऐसा करके ही अपनी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। दोस्तों, मेरे बिहार में ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही सदाराम दादा बोल पड़े, अरे ये सब छोट छोट कहानी बहो, का तोहरा लोग के वो पीपल के चुड़ैल के कहानी याद बा, कैसे वो एगो लड़की के कब्जा में ले ले रहल। तो दादाजी ने कहा, अरे हाँ हाँ, अरे वो बात हम कैसे भूल जाएं, बहुत ही डरावना रहल वो बात। इसके बाद दादाजी ने अगला किस्सा सुनाते हुए कहा, ये बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। उस समय तुम्हारी दादी और मैं यहाँ नहीं बल्कि गाँव के आखिरी छोर पर एक छोटे से मकान में रहते थे। वो मकान किराए का था। उस वक्त हमारा ये घर भी नहीं बना था। हमारे घर के ठीक सामने इसी तरह एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। अब उस पेड़ को काट दिया गया है। पेड़ के पास एक कच्ची सड़क थी जो पड़ोस गांव की तरफ जाती थी। गांव के लोगों का उधर से आना जाना लगा रहता था। हमारे बड़े कहा करते थे कि कभी भी रात में अगर पीपल के पेड़ के पास से गुजरना पड़े और हाथ में कोई मिठाई हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पीपल के पेड़ पर चुड़ैल और आत्माओं का वास माना जाता है। अगर कोई इंसान उस हाल में पीछे मुड़कर देख ले तो पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल या कोई पिशाचनी उस इंसान के ऊपर कब्जा कर सकती है। यही हुआ महुआ के साथ। महुआ बिटिया हमारे मकान के पड़ोस में रहती थी। हमारे गाँव में तब कोई पाठशाला नहीं थी। वो पड़ोस के गांव में पढ़ने जाती थी। गांव यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर था और महुआ को कभी कभी पैदल भी आना जाना करना पड़ता था। उस दिन भी महुआ पैदल गई थी। शाम को 5 बजे छुट्टी होती थी उसकी। पैदल चलकर आने में करीब 1 घंटा लग जाता था। छुट्टी होते ही महुआ घर आने के लिए पाठशाला से निकली। इस गाँव तक आते आते उसे 6 बज चुके थे। उसके थैले में उसकी माँ ने कुछ मिठाई बांध कर दी थी ताकि वो खा ले, लेकिन उस दिन उसने मिठाई खाई नहीं और उसे ऐसे ही लेकर वापस आई। अब हुआ यूं कि ठंड का मौसम था और दिन जल्दी ढल गया तो 6 बजे भी ऐसा लग रहा था जैसे कि रात हो गई हो। वो उछलते कूदते घर आ रही थी और ठीक पीपल के पेड़ के पास से गुजर रही थी। अचानक से उसका थैला ठीक पीपल के पेड़ के नीचे गिर गया और सारा सामान रास्ते में बिखर गया। वो उसे पीपल के नीचे बैठकर उठाने लगी। चीज़ों को उठाने के बाद वो वापस से घर की तरफ आ ही रही थी कि उसे पेड़ पर किसी की आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई पेड़ पर चढ़ रहा हो या उतर रहा हो। ये सारी आहट सुनने के बाद महुआ चलते चलते रुक गई। अब ऐसे में छोटी सी बच्ची का डरना तो जायज था। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देख लिया और अचानक से उसे एक अजीब सा झटका लगा, मानो किसी ने उसे धक्का मारा हो। लेकिन आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उस समय वहां पर कोई था भी नहीं। सुनसान जगह को देखते हुए वो और डर गई और वहां से वो तुरंत भागकर घर आ गई। फिर अगले ही दिन हमें पड़ोस से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। कोई महुआ का नाम ले लेकर काफ़ी चिल्ला रहा था। मैं और तेरी दादी पड़ोस में गए और देखा कि महुआ की माँ घर का दरवाज़ा पीट रही है। वो महुआ को पुकार रही थी लेकिन महुआ दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी। तो मैं और तुम्हारी दादी और मेरे ये सभी दोस्त उसके पास गए और उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप दरवाज़ा क्यों पीट रही हो। तो महुआ की माँ ने कहा,
क्या बताऊं भैया, न जाने महुआ को क्या हो गया है, आज सुबह से बड़ी अजीब अजीब हरकत कर रही है। आज सुबह 3 बजे उठ के बैठ गई और मैंने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों उठी, तो कोई भी जवाब नहीं दिया, बस अजीब सी डरावनी नज़र से मुझे घूरने लगी। मैंने उसे सुलाने की कोशिश की तो वो भयानक आवाज निकालने लगी और बोली कि मुझे हाथ नहीं लगाना। ये सारी बात सुनकर मैं बहुत डर गई और महुआ के बाबा भी तो घर पर नहीं थे। फिर महुआ अचानक से अपने ही बाल नोचने लगी और चिल्लाने लगी जैसे कि कोई भूत आ गया हो उसके अंदर। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो देखो क्या किया उसने, महुआ की माँ के हाथ में किसी के काटने का निशान था। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि महुआ ने इतनी जोर से अपनी माँ को काट लिया। उसके दांत पूरी तरह उसके हाथ में गड़ गए थे और खून बह रहा था। उसकी माँ ने आगे कहा, मैं डर के मारे कांपने लगी, अकेले उसे संभाल भी नहीं पा रही थी तो देवधर की अम्मा को बुलाने चली गई। वो भूत प्रेत के बारे में जानती हैं इसलिए, लेकिन घर जाने पर पता चला कि वो काम से खेत पर गई हैं। मैं वापस आ गई लेकिन देखा कि इस लड़की ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। महुआ की माँ की बात सुनकर हम सब चौंक गए थे। मैं घर के पीछे की तरफ गया, वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की थी। जब मैंने और मेरे दोस्तों ने उस घर के अंदर झांका, तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। महुआ अपने बाल काट रही थी एक छोटे से आईने में अपनी शक्ल देखते हुए, लेकिन आईने में महुआ की नहीं बल्कि एक भयानक औरत की शक्ल दिख रही थी। हम महुआ को आवाज़ देने लगे तो महुआ हमारी तरफ मुड़ी और एक डरावनी मुस्कान देने लगी। डर के मारे हमारी हालत खराब होने लगी। वो वापस आईने की ओर देखकर बाल काटने लगी। उसने अपने बाल बड़े अजीब से कर लिए, ऐसा लगा जैसे कि कोई डरावना सपना देख रहा हूँ। महुआ के पैर उल्टे थे, उंगलियाँ पीछे की तरफ थी और एड़ी आगे की ओर। वो दरवाजे की तरफ गई और हम सब भी दरवाजे की तरफ भागे। उसने दरवाजा खोला, उसे देखकर उसकी माँ भी चौंक गई और पीछे हट गई डर के। महुआ बाहर आई और सीधे पीपल के पेड़ की तरफ जाने लगी। फिर जो हमने देखा वो हैरान कर देने वाला नज़ारा था। महुआ इतनी तेजी से पीपल के पेड़ पर चढ़ी जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। पीपल की एक शाखा पर जाकर वो बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। दादाजी की ये कहानी सुनकर मैं तो कांप गया था। उल्टे पैर वाली चुड़ैल के बारे में मैंने सिर्फ सुना था, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा सच में होता है। मैंने पूछा, तो क्या हुआ, महुआ ठीक हुई? तो दादाजी ने कहा, हाँ हो तो गई लेकिन बड़ी मुश्किल से। देवधर की अम्मा हमारे गांव में ऐसी थी जो शरीर में भूत प्रेत आने पर झाड़ फूँक किया करती थी। जो चुड़ैल महुआ के अंदर थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और गुस्से वाली थी। देवधर की माँ जब दोपहर को खेत से लौटी तो उसे महुआ के बारे में बताया गया और वो भी महुआ को देखने के लिए आई। फिर उसने किसी तरह उस चुड़ैल से बात की और महुआ को नीचे आने के लिए तैयार किया। महुआ नीचे तो आ गई थी लेकिन बहुत गुस्से में थी। लेकिन देवधर की माँ ने न जाने ऐसा कौन सा मंत्र फूका कि वो शांति से उसके सामने बैठ गई और फिर 3 से 4 घंटे झाड़ फूक करने के बाद महुआ के शरीर से वो चुड़ैल भागी। इसके बाद देवधर की माँ ने कहा कि इस पीपल के पेड़ को उस भयानक चुड़ैल ने अपना घर बना लिया है और फिर उस दिन उस पेड़ के पास काफ़ी कर्म कांड कराए गए ताकि वो पीपल के पेड़ को छोड़कर चली जाए। देवधर की माँ ने बताया कि पीपल के पेड़ में चुड़ैल के अलावा पूर्वजों की आत्मा भी वास करती है। उस दिन ये बात समझ आई कि पीपल का पेड़ क्या महत्व रखता है। ये पीपल का पेड़ जो तुम देख रहे हो ना, हम हमेशा इस पेड़ के नीचे शनिवार को दिया जलाते हैं ताकि हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। तो मैंने कहा, दादाजी इतनी सारी खौफनाक घटनाएं घटी हैं यहाँ पे, मुझे लगा कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। तो सदाराम दादा ने कहा, ई तो कछौ नहीं खे बेटवा, दादाजी हमरा के एगो औरी घटना के बारे में बतौले रहले जवन ई गांव में भयल रहे, बताई का? मुझे उनकी ये बात समझ आ गई तो मैंने कहा, हाँ हाँ बताइए ना। तो सदाराम दादा ने मुझे वो किस्सा सुनाना शुरू किया। मैं आपको हिंदी में ही वो किस्सा बताता हूँ। उन्होंने कहा, मेरे दादाजी अंगरा गांव में रहा करते थे, उस समय मैं पैदा नहीं हुआ था। दादाजी एक मजदूर थे जो गांव के जमींदार के खेत में काम करते थे। बरसात के समय की बात थी,
जब दादाजी और एक और मजदूर जमींदार के खेत में काम कर रहे थे। शाम होने को आई थी और आसमान में बादल छा गए थे। मौसम बहुत खराब था, ऐसे लग रहा था कि भयंकर बारिश होने वाली है। बाकी के लोग अपने घर जा चुके थे। तभी दादाजी के साथ जो मजदूर काम कर रहा था उसे प्यास लगी और वो काम छोड़कर खेत के पास रखे एक मटके से पानी पीने के लिए चला गया। दादाजी काम में ही लगे हुए थे, इतने में ही गिलास के जमीन में गिरने की आवाज आई। दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां से मजदूर गायब था और आसपास कोई था भी नहीं। मटका गिरकर फूट गया था और गिलास भी उसके बगल में पड़ा हुआ था। दादाजी ने आवाज दी, मोहन मोहन, लेकिन मोहन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उस समय दादाजी को बड़ा अजीब लगा वो सब। वो इधर उधर मोहन को देख रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि मोहन वहां से चला गया होगा तो वो अपने काम में वापस लग गए। तभी उन्हें अपने पीछे मिट्टी खोदने की आवाज आई। दादाजी तुरंत पीछे मुड़े और उन्होंने देखा कि मोहन खेत में गड्ढा खोदने में लगा हुआ है। तो दादाजी ने कहा, मोहन गड्ढा क्यों खोद रहा है? अरे फसल खराब हो जाएगी भाई। लेकिन मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और बस गड्ढा खोदता गया। दादाजी चुपचाप उसे देखते रहे। इतने में ही जमींदार वहां पर आ गया और वो बोला, ए मोहनवा, हमारी जमीनिया में गड्ढा काहे खोद रहा है बे? लेकिन मोहन ने उसकी बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर जमींदार को गुस्सा आया और उसने अपने एक आदमी को मोहन को रोकने के लिए बोला। उसका आदमी मोहन के पास आया और उसका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन न जाने कहां से उसके दुबले पतले शरीर में इतनी ताकत आ गई कि वो हट्टा कट्टा आदमी भी उसे हिला भी नहीं पाया। जमींदार भी ये देखकर हैरान रह गया। फिर उस आदमी ने मोहन को एक झापड़ मार दिया। चाटे की आवाज गूंज पड़ी, लेकिन मोहन पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन अचानक से मोहन की आंखें लाल हो गई, बिल्कुल लाल। वो गुस्से से जमींदार के आदमी को देखने लगा। जमींदार का आदमी डर के कारण उससे दूर हट गया। दादाजी की आंखें फटी की फटी रह गई। मोहन जमींदार को आंखें दिखा रहा था जैसे कि जमींदार ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। मोहन फिर से गड्ढा खोदने लगा। अब जमींदार के पसीने छूट रहे थे, मानो उसकी कोई बहुत बड़ी पोल खुलने वाली हो। फिर मोहन रुक गया और हाथ से ही मिट्टी हटाने लगा और फिर थोड़ी देर के बाद उसे गड्ढे से कुछ मिला। वहां पर एक बक्सा था। मोहन ने उसे निकाला। जमींदार तुरंत उस बक्से के पास आया और उसे मोहन से छीनने लगा। तो जमींदार बोला, तुझे इस बक्से के बारे में कैसे पता? छोड़ उसे, ये मेरा है। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक से उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उसके गले से बड़ी अजीब सी आवाज आ रही थी। वो गुस्सैल भूखे जानवर की तरह गुर्रा रहा था और जमींदार को लाल आंखों से देखे जा रहा था। जब जमींदार के बहुत कोशिश के बावजूद मोहन ने उसका बक्सा नहीं छोड़ा, तो जमींदार ने एक लाठी उठा ली और उसे मारने लगा। मोहन ने लेकिन वो बक्सा नहीं छोड़ा। दादाजी जानना चाहते थे कि उस बक्से में है क्या, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई मोहन के आगे कुछ बोलने की। फिर न जाने मोहन को क्या हुआ, उसने बक्से को छोड़ दिया और गुस्से से चिंघाड़ते हुए उसने जमींदार का गला पकड़ लिया। उसका गुस्सा किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। वो पागलों की तरह जमींदार का गला हिलाए जा रहा था, जैसे उसे गला धड़ से उखाड़ना हो। जमींदार के आदमियों ने जमींदार को बचाने की कोशिश की, लेकिन मोहन उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जमींदार बेहोश हो गया और मोहन का गुस्सा शांत हुआ। फिर अचानक से न जाने क्या हुआ कि मोहन के शरीर से निकलने वाला धुआं न जाने कैसे गायब हो गया और मोहन की आंखें भी पहले जैसी होने लगी। मोहन धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। जमींदार के आदमी जमींदार को उठाकर ले गए और दादाजी ने मोहन की नब्ज चेक की। दादाजी ने बक्से की ओर देखा और उसका ढक्कन खोला, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो बक्सा बिल्कुल खाली था। दादाजी को समझ नहीं आया कि आखिर उस खाली बक्से के लिए जमींदार और मोहन क्यों लड़ रहे थे। तभी पास की सड़क पर दादाजी को एक मौलवी जाते हुए दिखाई दिए। दादाजी ने उन्हें आवाज दी और उन्हें पास बुलाया। दादाजी ने उन्हें सारी बातें शुरू से बताई तो मौलवी साहब भी दंग रह गए। मौलवी साहब ने मोहन को साथ लेकर कहीं चलने को कहा। फिर दोनों ने मोहन को अपने कंधे के सहारे पकड़ा और मौलवी उन्हें लेकर अपने घर गए। घर जाने के बाद मौलवी ने दादाजी को कहा, जिस तरह की बातों का तुमने जिक्र किया है,
उस हिसाब से मुझे लगता है कि मोहन पर किसी जिन्न का साया पड़ गया है। दादाजी ने पूछा, मौलवी साहब जिन्न क्या होता है? तब मौलवी साहब ने कहा, जिन्न एक तरह की शक्ति होती है, लेकिन ये कई तरह के होते हैं। कुछ जिन्न अच्छे होते हैं और कुछ बहुत ही बुरे। अगर बुरे जिन्न की नज़र किसी पर पड़ जाए तो वो उसके शरीर पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अच्छे जिन्न लोगों की मुरादें पूरी करते हैं। शायद मोहन के ऊपर उस जिन्न ने कब्जा किया था, जो बरसों पुराने दबे खजाने की हिफाजत करता होगा। दादाजी को कुछ समझ नहीं आया तो मौलवी साहब ने कहा, कुछ जिन्न ऐसे होते हैं जो अपने खजाने की हिफाजत करते हैं। अगर कोई उनके खजाने को चुरा ले तो जिन्न तब तक उस इंसान का पीछा करते रहते हैं जब तक उन्हें उनका खजाना न मिल जाए, और फिर जब खजाना मिल जाता है तो खजाने को लेकर वो गायब हो जाते हैं। मोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ये तो अच्छी बात है कि वो कोई खतरनाक जिन्न नहीं था, वरना मोहन की जान भी जा सकती थी। मैं इसकी कलाई में नज़र का धागा बांध रहा हूँ ताकि जिन्न की नज़र इस पर दोबारा ना पड़े। अगर कोई खतरनाक जिन्न इसके शरीर में गया होता तो वो इसे आसानी से नहीं छोड़ता। बहुत खतरनाक हो सकते हैं जिन्न, बहुत सारी ताकतें होती हैं उनके पास, इसलिए जितना उनसे दूर रहो उतना ही अच्छा है। सदाराम दादा की उस कहानी ने मुझे भी सोच में डाल दिया। बहुत ही अजीबो गरीब किस्से सुनने को मिल रहे थे मुझे। मैंने कहा, जिन्न भी होते हैं और वो भी इतने ताकतवर? मुझे तो लगता था कि जिन्न सिर्फ अलादीन के चिराग में बंद होते हैं, जिसे घिसने पर वो बाहर आते हैं और मुरादें पूरी करते हैं। तो दादाजी ने कहा, अरे बेटा वो तो बच्चों को सुनाई जाने वाली एक कहानी है बस, लेकिन असल में जिन्न की ताकत का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैंने पूछा, दादाजी क्या और भी किसी घटना के बारे में आप जानते हैं? ये सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। तो मुझे लगा कि शायद उनके पास अब और कोई कहानी ही नहीं होगी, लेकिन तभी मेरे दादाजी ने कहा, अरे हाँ, सबसे बड़ी बात तो बताने को ही भूल गए हम। अरे अपने ही गांव के बारे में तुमको नहीं बताया हमने। असल में हमारे गांव का पुराना रिवाज है कि हम अपने घरों में चूल्हों को हमेशा दक्षिण दिशा में ही बनाया करते हैं। तो मैंने कहा, लेकिन दादाजी माँ तो कहती है कि दक्षिण दिशा में चूल्हा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मतलब घर में नकारात्मक शक्ति को आमंत्रित करना है, भूत प्रेत का वास हो जाता है इससे घर में। तो दादाजी ने कहा, हाँ यही सच है, लेकिन हमारे गांव में बहुत साल पहले कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से हमें ये रिवाज मानना पड़ता है। ये बात मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी, और उन्हें उनके पिताजी ने, यूं कह लो कि ये मान्यता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो मैंने पूछा, अच्छा ऐसा क्या हुआ था दादाजी? तो दादाजी ने कहा, अब देख लो, पहले के ज़माने में ये आजकल की तरह शादी नहीं होती थी। पहले के ज़माने में दुल्हनों को डोली में बिठाकर लाने की परंपरा थी। ये कई साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक नौजवान की शादी मानपुर गांव की एक लड़की से तय हुई थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मानपुर यहाँ से बहुत दूर था, तो जब दुल्हन को डोली में बिठाकर लेकर आया जा रहा था, तब रास्ते में ही बारातियों ने डेरा जमा लिया। पहले इसी तरह से रुकते रुकते सफ़र काटा करते थे लोग। रात हो गई थी, उस समय तो बाराती भी रुक गए। दुल्हन की डोली को एक ताड़ के पेड़ के नीचे रख दिया गया। दुल्हन को बाहर आना मना था, तो वो भी डोली के अंदर ही चुपचाप बैठी रही। बाकी बाराती भी वहीं पेड़ के नीचे सो गए। अब आधी रात बीत चुकी थी। दुल्हन अंदर बैठे बैठे थक गई थी, तो उसने बाहर डोली का पर्दा हटाकर बाहर की ओर देखा। बाहर बिल्कुल अंधेरा था और कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। चांद की रोशनी आसपास बिखरी हुई थी, जो अंधेरे को थोड़ा कम गहरा कर रही थी। दुल्हन बाहर तो नहीं आई, लेकिन ऐसे ही बाहर की ओर इधर उधर देखती रही। फिर अचानक से उसे सड़क के ऊपर ताड़ के पेड़ की पड़ती हुई हल्की सी परछाई नजर आई, जिस पर कोई बैठा हुआ था। दुल्हन ने तुरंत डोली का पर्दा लगा दिया, क्योंकि वो बहुत डर गई थी। हालांकि उसे पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर सच में कोई बैठा हुआ है या फिर वो किसी और चीज की परछाई है, लेकिन दुल्हन को ऐसा लगा कि पेड़ के ऊपर कोई बैठा है। अब उसे वापस बाहर देखने में डर लगा, तो वो चुपचाप बैठी रही।
करीब 15 मिनट बाद उसे फिर से बाहर देखने की इच्छा हुई। उसने पर्दे को थोड़ा सा हटाया और तब वो ये देखकर हैरान रह गई कि जो परछाई वहां पर दिख रही थी वो गायब है। मतलब पेड़ की परछाई तो दिख रही थी, लेकिन उस पर जो कोई भी बैठा हुआ था वो गायब हो गया था। दुल्हन ने अपना चेहरा डोली से बाहर निकाला, उसने बाईं ओर देखा तो कोई नहीं था, फिर उसने दाईं ओर देखा तो भी उसे कोई नहीं दिखा। उसने फिर से बाईं ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक से उसके सामने एक आधा जला हुआ चेहरा आया जो उसके चेहरे के बेहद करीब था। उसकी एक आंख नहीं थी, लंबे बाल आगे की ओर आ रहे थे। दुल्हन जोर से चीख पड़ी और डोली में वापस से सिर अंदर कर लिया, लेकिन वो भयानक चेहरे वाली औरत अचानक से डोली के अंदर घुस गई और उसने दुल्हन को काट काट कर मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, उस औरत ने दुल्हन के शरीर पर कब्जा कर लिया। अब पता नहीं कैसे, पर दुल्हन के चीख सुनने के बाद भी बराती उठे नहीं, जैसे कि उन्होंने उसकी चीख सुनी ही ना हो। वो भयानक औरत दुल्हन के शरीर में घुसकर डोली में बैठी रही। अगली सुबह बराती उठे और डोली को उठाकर वापस से गांव आने के लिए निकल पड़े। अगले दिन दोपहर तक वो लोग गांव आए। वो भयानक औरत घूंघट डाले हुए बाहर निकली और सीधे उसे दूल्हे के कमरे में भेज दिया गया। जब दूल्हा कमरे में गया तो उसने उस औरत को घूंघट ओढ़े बैठे हुए देखा। उसे लगा कि वो उसकी दुल्हन है, लेकिन जब उसने उसका घूंघट हटाया तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने उस औरत का चेहरा देखा और वो भी चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज कमरे के बाहर नहीं गई। उस औरत ने अपनी गूंजती हुई भयानक आवाज में कहा, कोई फायदा नहीं है चीखने का, कोई नहीं आएगा यहाँ। तो दूल्हे ने पूछा, कौन हो तुम, क्यों आई हो यहाँ? तो उस औरत ने कहा, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इस गांव में मेरी शादी हुई है और अब से ये मेरा भी गांव है। ये बोलकर वो औरत हंसने लगी और लड़के के होश उड़ गए। उस औरत ने उस लड़के से कहा, अब मैं इस गांव को सुख संपत्ति से भर दूंगी। तुम्हें इस गांव के हर आदमी को कहना होगा कि अब उनके घर में चूल्हे की जगह दक्षिण दिशा में होगी। जिस घर में चूल्हा दक्षिण दिशा में होगा वहाँ मेरा वास होगा और उस घर में संपत्ति आएगी। मैं दादाजी की वो कहानी बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि कोई आत्मा भी घर में संपत्ति ला सकती है। दादाजी ने कहा, बस उसी हादसे के बाद से लोगों में उस आत्मा की दहशत फैल गई। लोगों ने डर के मारे वैसा ही किया जैसा कि वो आत्मा कहती थी। लोगों ने अपने घरों में दक्षिण की ओर चूल्हा रखा और उसी हिस्से में वो लोग खाना बनाने लगे। तभी से हमारे गाँव में उस आत्मा को माना जाने लगा और ये यहाँ की मान्यता बन गई। अगर कोई इस रिवाज को नहीं मानता था तो वो औरत उस इंसान को बहुत तड़पाती थी, लेकिन ऐसा भी सुना है मैंने कि उसकी बात मानने वाले की वो खुद रक्षा भी करती है। तभी सज्जन दादा ने कहा, अरे गिरधर, राम के भुला गेल बाड़ा का? अरे ओहो मधुबनी में रहत रहले, ओहो मधुबनी के किनारे एगो आत्मा के देखले रहले, याद बा तोहरा के? तो मैंने कहा, कौन राम? तो दादाजी ने सज्जन दादा से कहा, अरे भाई ओकरा के कैसे भुला जाई, वो बेचारा भूत के देख के पागल हो गए रहे। तो दादाजी ने कहा, बेटा समर, राम मधुबनी में रहा करता था, मधुबनी का नाम तो सुना ही होगा तूने। तो मैंने कहा, हाँ दादाजी, उसका नाम तो बड़ा मशहूर है, वहाँ भी कोई घटना घटी थी क्या? तो दादाजी ने कहा, बेटा मधुबनी में एक तालाब है जिसे मधुबनी तालाब कहा जाता है। तूने सुना था कि उस तालाब में एक बस पलट गई थी जिसमें कई सारे यात्री मारे गए थे। मैंने कुछ सोचा और कहा, हाँ दादाजी, एक बार पापा ने बताया था। तो दादाजी ने कहा, बस उसी हादसे के बाद मधुबनी भी वो जगह बन गई जहाँ लोग जाने से कतराते हैं। राम बर्तनों में नक्काशी करने का काम किया करता था मधुबनी में, और उसकी इसी कला से उसका घर चला करता था। कभी कभी वो अपनी बनाई हुई चीज़ों को लेकर यहाँ भी आता था। तभी से उससे जान पहचान हो गई हमारी, बहुत अच्छा दोस्त बन गया था वो हमारा। ये बात उसी साल की है जब मधुबनी के तालाब में वो बस पलटकर गिर गई थी और उसके सारे यात्री मारे गए थे।
उस समय हमारे गांव में एक छोटा सा बाजार बैठा करता था, जहां आसपास के लोग अपना सामान बेचने आते थे। राम भी आया था। एक दिन की बात है, जब राम बाजार में सामान बेचकर अपना सामान पैक कर रहा था, तब मैं उसके पास गया और उससे बोला, राम बहुत देर हो गई है, इतनी रात को अंधेरे में अकेले कैसे जाओगे, आज रात यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। तो राम ने कहा, अरे नहीं नहीं भैया, आज जाना जरूरी है, मेरा बहुत काम है मुझे, और फिर नक्काशी का काम एक दिन के लिए भी छोड़ नहीं सकता मैं। तो मैंने कहा, लेकिन यार इतनी दूर कैसे जाओगे, रात में खतरा हो सकता है ना, ऊपर से वो मधुबनी का तालाब भी तुम्हारे घर जाने के रास्ते में पड़ता है। तो राम ने कहा, अरे चिंता मत करो भैया, कुछ नहीं होगा, मधुबनी में इतने सालों से रह रहा हूँ मैं, मधुबनी के तालाब के बारे में भी जानता हूँ, जो भी बातें फैली हैं वो सब बस अफवाह है और कुछ भी नहीं। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ अब। ये बोलकर राम ने सारा सामान अपने साइकिल पर रखा और साइकिल की घंटी बजाते हुए वहाँ से निकल पड़ा। अब इसके आगे क्या हुआ ये बात मुझे पता नहीं चलती, अगर खुद राम की पत्नी ने मुझे उसके साथ हुए हादसे के बारे में ना बताया होता तो। जब वो नेहरा गांव से निकला तो उसे लगा कि वो बड़ी आसानी से घर पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब नेहरा से मधुबनी की दूरी 26 किलोमीटर थी। वो बेचारा कुछ पैसे कमाने के लिए इतनी दूर साइकिल पर आया था। शाम के 6 बज ही गए थे उसे नेहरा से निकलते हुए, साइकिल में भी मधुबनी पहुंचते हुए 4 से 6 घंटे तो लग ही जाते थे। वो मजे में गुनगुनाते हुए मधुबनी जाए जा रहा था। उसके घर के रास्ते में पड़ता था वही तालाब जहां पर कई लोगों की मौत हुई थी। अब हुआ यूं कि राम मधुबनी के तालाब के पास पहुंच गया और सीधे उसकी नज़र उस तालाब के ऊपर गई। वो साइकिल से जाते जाते उस तालाब को देखे जा रहा था, जो उस वक्त बड़ा डरावना लग रहा था। उसका पानी मानो आने जाने वाले लोगों को अपनी तरफ खींच लेना चाहता था। राम मधुबनी तालाब को पार कर ही रहा था कि अचानक से उसके साइकिल की चैन उतर गई। वो उतर के साइकिल की चैन बनाने लगा, लेकिन चैन चढ़ ही नहीं रही थी। ये देखकर राम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि बहुत समय तक मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसने इधर उधर देखा कि शायद कुछ काम की चीज़ मिल जाए जिससे वो साइकिल की चैन ठीक कर सके, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। उसने सोचा कि पैदल चलकर ही उसे अब घर जाना होगा, इसलिए वो साइकिल को उसी हाल में पैदल ले जाने लगा। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आई। उसे लगा कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन वो आवाज़ बहुत ही दबी हुई थी और साफ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। राम ने आसपास नज़र घुमाई और जब कोई नहीं दिखा तो वापस चलने लगा। इतने में ही उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे पीछे कोई चलकर आ रहा है। राम ठहर गया और उसके साथ साथ पीछे आने वाली आहट भी थम गई। राम पीछे मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था। फिर तालाब की ओर से जोर से आवाज आई। वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कुछ भारी चीज तालाब में गिरी। राम की नजर तुरंत उसकी ओर गई। वो चौंक सा गया। जब उसने पानी की ओर देखा तो पानी बिल्कुल शांत था। राम ने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा सब कुछ नज़रअंदाज करके घर चलना चाहिए। वो आगे एक कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक से उसका पैर बर्तनों की भार की वजह से डगमगा गए और वो सीधे साइकिल के साथ साथ तालाब की तरफ जा गिरा। सड़क तालाब से थोड़ी ऊंची थी, इसलिए गिरने के बाद राम को काफ़ी चोट आई। उसके घुटने भी छिल गए और सर पर भी चोट लगी। वो तालाब से ठीक किनारे पर था और वो वही जगह थी जहाँ से बस पलटी थी। राम ने जैसे तैसे करके साइकिल को उठाया, फिर खुद खड़े होकर साइकिल को सीधा खड़ा किया और सामान को उठाने लगा। वो ये काम कर ही रहा था कि उसकी नज़र उसके हाथ पर गई जहाँ से काफ़ी खून बह रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना तालाब के पानी से हाथ धो लिया जाए, शायद ठंडे पानी से खून बहना बंद हो जाए। उसने साइकिल को छोड़ा और तालाब के पास बैठकर अपना हाथ साफ करने लगा। इतने में ही उसे उसकी साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब ये जाहिर था क्योंकि उसके अलावा तो कोई और वहाँ था ही नहीं, फिर घंटी कैसे बज सकती थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बुरी तरह से कांप उठा। साइकिल की घंटी अपने आप ही बज रही थी।
राम ने डर के मारे एक कदम पीछे रख दिया और वो सीधे पानी में गिर पड़ा। तालाब के किनारे में तालाब बहुत ही ज्यादा गहरा था, लेकिन राम को तैरना आता था इसलिए वो तुरंत पानी के ऊपर आ गया। फिर जैसे ही उसने ऊपर किनारे पर चढ़ने की कोशिश की, वैसे ही उसे लगा कि किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया है। राम मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो ऊपर आने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऊपर आ नहीं सका। वो हाथ पैर मारे जा रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे पानी उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। फिर उसने हाथों की मदद से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि उसका पैर किसी ने पकड़ा नहीं था, बल्कि पानी के अंदर पेड़ की शाखा न जाने कैसे आ गई, जिसमें उसका पैर फंस गया था। वो थोड़ा शांत हुआ और अपने पैरों को शाखा के बीच से निकालकर वापस किनारे पर चढ़ गया। घंटी बजनी भी बंद हो गई थी। राम साइकिल की तरफ भागा और जल्दी से सारा सामान उस पर रख कर साइकिल को लेकर सड़क की तरफ गया। वो जाते जाते बीच में पीछे मुड़कर देख रहा था। जैसे ही वो सड़क के ऊपर पहुंचा और तालाब की तरफ देखा, तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे तालाब के किनारे पर एक आदमी नजर आया जो राम की तरफ देख रहा था। राम की हालत काफी खराब हो गई और वो भूत भूत कहते हुए वहां से तुरंत भाग गया। तो मैंने पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी, क्या कहानी खत्म हो गई? तो दादाजी ने कहा, नहीं, उसके बाद जब गांव में लगने वाले बाजार में राम मुझे दिखाई नहीं दिया तो मैंने उसके बारे में पता लगाया और तब मुझे पता चला कि राम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैंने पूरी बात पूछी तो उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि उस रात राम के साथ क्या हुआ। दरअसल घर जाने के बाद राम ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई थी और मेरे पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी कहानी मुझे बताई। उस रात के बाद राम अजीब सी हरकत करने लगा। उसके मन में वो हादसा बैठ गया और वो दिन रात उसी हादसे के बारे में बड़बड़ाने लगा। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो रात को भी सो नहीं पाता था और बैठे बैठे भूत भूत कहता रहता था। तो मैंने फिर से पूछा, तो आगे क्या हुआ दादाजी? तो दादाजी ने कहा, हमारे गांव में भूत प्रेत पिशाच निशाचर इन सब के अलावा अघोरी को भी माना जाता है। कहा जाता है कि अघोरी सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो शिव की साधना करते हैं और उनके पास असीमित शक्ति होती है। बहुत से अघोरी तंत्र विद्या करके लोगों की परेशानी का निवारण करते हैं। अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा हो तो उसका निवारण भी अघोरी कर सकते हैं। अगर किसी का काम धंधा ना चल रहा हो तो उसका उपाय भी अघोरी बताते हैं। काले जादू से लेकर हर तरह की परेशानी का तोड़ होता है उनके पास। मुझे ये बात पता थी क्योंकि एक बार देवधर की माँ ने मुझे अघोरियों के बारे में बताया था। मैंने राम की पत्नी को भी ये बात बताई और कहा कि उसे किसी अघोरी के पास ही ले जाना चाहिए। उसकी पत्नी मान गई, लेकिन समस्या ये थी कि अघोरी शमशान में रहते थे और शमशान तक राम को ले जाना बड़ा मुश्किल था। फिर मैंने कहा कि राम को जबरदस्ती वहां लेकर जाना होगा। मैंने ये बात सज्जन को भी बता दी और हम दोनों किसी तरह राम को बांध कर शमशान ले गए। मैंने सुना था कि शमशान में रहने वाले अघोरी की जिंदगी बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होती है, लेकिन जिस दिन मैं राम को वहां पर लेकर गया उस दिन मैंने अपनी आंखों से ये सब देख लिया कि अघोरी की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। जब हम वहां पहुंचे तो एक अघोरी मसान में जलने वाली चिता को देख रहा था। शरीर लगभग आधा जल चुका था। इससे पहले कि हम कुछ उनसे बोलते, वो अघोरी चिता के पास गया और आधे जले हुए शव के कुछ हिस्से निकालकर खाने लगा। वो दृश्य बहुत ही ज्यादा घिनौना था। हमारे होश उड़ गए। हमें लगा कि ये कैसा हैवान है जो इंसान की लाश खा रहा है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये सब अघोरी इसलिए करते हैं क्योंकि उससे उन्हें कड़ी साधना करने की ताकत मिलती है। अघोरी ने हमें देखा और पूछा, यहाँ क्यों आए हो? मैंने और सज्जन ने उन्हें सारी बातें बताई। फिर उन्होंने राम की नब्ज देखी और उसकी आंखों में भी देखा और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि राम ने एक आत्मा को देख लिया है जिसने इसके मन में घर बना लिया है, इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहा है। तो हमने पूछा, बाबा इसका क्या कोई उपाय है? तो उन्होंने मसान की मिट्टी उठाई और राम के माथे पर मल दी। इसके बाद एक पुड़िया में रखी हुई भभूति से राम का तिलक करके उसके ऊपर
सर से 7 बार पुड़िया को घुमाया। उसके बाद उस पुड़िया को जलती हुई चिता के साथ ही भस्म कर दिया। राम बेहोश था उस समय, तो हमने पूछा, बाबा क्या अब राम ठीक है? तो अघोरी ने मुझे एक पुड़िया में वही भभूत दिया और कहा कि सुबह शाम 2 बार इससे राम की नजर उतारनी है, कुछ ही दिन में वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमने उनका शुक्रिया अदा किया और हम वापस आ गए, और कुछ ही दिनों बाद राम सचमुच बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने दादाजी से कहा, कमाल के किस्से हैं दादाजी ये तो, अगर मैं इन सब पर किताबें लिखूंगा तो लोगों को सचमुच बहुत पसंद आएगी। तो दादाजी ने कहा, क्या इतनी कहानियां काफी हैं? तो मैंने कहा, अरे हाँ हाँ दादाजी बहुत है, अगर मुझे फिर से कभी अगर कहानी की कमी हुई तो मैं दोबारा आप लोगों के पास आऊँगा। दादाजी ने कहा, चलो भाई ठीक है, फिर बहुत रात हो गई है, अब तू भी सो जाके अंदर। तो सज्जन दादा ने मजाक में कहा, हाँ महू चलत बानी, आज पुरन का जमाना याद करके सचमुच बहुत अच्छा लागल। समर बेटवा, अगर और कहानी सुने के बाद तो जरूर बताइए, हम जरूर सुनाई तोहरा के। ये सुनकर सभी हंसने लगे और सभी अपने अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद मैं भी अपने कमरे में आ गया। मेरी चिंता खत्म हो गई थी, मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी और सच्ची कहानियाँ मिल गई थी। गांव में करीब 1 हफ्ते तक रहने के बाद मैं वापस शहर आ गया। सब मुझे वापस जाते देखकर काफ़ी भावुक हो गए थे। मेरा भी मन नहीं था वापस जाने का, लेकिन जाना जरूरी था, इसलिए मैंने दादाजी से जल्दी वापस आने का वादा किया और शहर आ गया। निहार गांव, अंगार गांव, मानपुर, मधुबनी, इन सभी जगहों की डरावनी कहानियों की एक नई सीरीज थी मेरे पास, जिन्हें मैं जल्द से जल्द छापना चाहता था। मुझे यकीन था कि लोगों को ये गांव देहात की कहानियाँ जरूर पसंद आएंगी। माँ पापा को भी मैंने वो डरावनी कहानियाँ सुनाई और उन्हें भी ये कहानियाँ बहुत पसंद आई। अब देखना ये था कि ये सच्ची कहानियाँ लोगों के ऊपर क्या प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये गांव देहात की कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मेरे जितने भी बिहार के सब्सक्राइबर हैं वो मुझे ये ज़रूर बताएं कमेंट करके, इन कहानियों में कितना झूठ है और कितना सच है। और अगर आपके पास भी अगर कोई डरावनी कहानी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि ये बिहार की कहानी की सीरीज़ एक और वीडियो में आए, तो आप लोग कमेंट से पूरा सेक्शन बॉक्स भर दो ताकि मैं उस कहानी का सीरीज़ आगे बढ़ाऊँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।